प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इसके कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सूबे की 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष 6 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों को दी है, तो उन 74 सीटों में यूपी की कैसरगंज सीट उन चुनिंदा सीटों में आती है जहां पर भाजपा ने दो चरणों के मतदान के बाद तक भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है और वर्तमान में कैसरगंज से बीजेपी के ही ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। WFI के पूर्व अध्यक्ष जिन पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उन्हें पार्टी ने अब तक टिकट नहीं दिया है और ना ही टिकट काटा है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और राजपूत क्षत्रिय समुदाय में ब्रजभूषण की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसके अलावा कुछ हद तक पूर्वांचल में, साथ ही राजस्थान में, गुजरात में, इन राज्यों में जिस तरीके से राजपूत समुदाय की नाराजगी बीजेपी को देखने को मिल रही है, इसका प्रमुख कारण यह है कि राजपूत समुदाय क्षत्रिय समाज के लोगों का कहना है कि उनके यहां से उनके समुदाय के लोगों को बीजेपी ने कम इस बार तवज्जो दी, कम टिकट दिए हैं, कम उनके लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी काट देती है तो राजपूतों की नाराजगी बढ़ सकती है और साथ ही ब्रजभूषण भी खुद से चिंताएं बीजेपी आलाकमान की बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह इस प्रकार के नेता नहीं है जो बीजेपी आलाकमान के द्वारा लिए गए तमाम सभी फैसलों को शांति से स्वीकार कर लेंगे। कहा जाता है ब्रजभूषण के बारे में कि वो अपने तल्ख तेवर भी बीजेपी आलाकमान को दिखा सकते हैं अगर पार्टी ने उनका टिकट काटा। वहीं अगर बीजेपी उनका टिकट नहीं काटती है तो भी बीजेपी नुकसान की स्थिति में नजर आ रही है। महिला पहलवानों के द्वारा जिस तरीके से सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, तो पहलवानों का समर्थन और ब्रजभूषण का विरोध हरियाणा में भारी संख्या में हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भारी संख्या में हुआ, इसके अलावा राजस्थान में भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहां ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध किया था। ऐसे में अगर उनका टिकट नहीं कटता है और उन्हें ही पार्टी दोबारा से मौका अपनी ओर से देती है तो यहां बीजेपी के खिलाफ माहौल विपक्ष और भी ज्यादा मजबूती से ब्रजभूषण शरण सिंह को केंद्र में रखकर जुटा सकता है। अब देखना होगा कि ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेता है और कब तक अपना फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 News।